आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूँ मोना। मोब लिंचिंग में गई एक युवक की जान। युवक करता था 3 बच्चे की मां से प्यार। कहलगांव सनोखट से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक युवक मोब लिंचिंग का शिकार हो गया है, जिसमें युवक की मौत हो गई है। वहीं युवक की पहचान बांका अमरपुर के गुरगामा के नीतीश कुमार के रूप में हुई है। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। कहलगांव SDPO शिवानंद सिंह मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि युवक एक शादीशुदा महिला से मिलने के लिए रात में आया था। इसी दौरान ग्रामीणों ने पकड़ लिया और लाठी डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। महिला शादीशुदा है और 3 बच्चे की मां है, जबकि युवक अविवाहित है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कहलगांव SDPO शिवानंद सिंह मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं बरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्रामीणों ने उस युवक को चोर समझकर पीटा, लेकिन उसके पति ने बताया इस युवक से मेरी पत्नी का अवैध संबंध था। पुलिस जांच कर रही है। उसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। 2 लड़के थे, एक की डेथ हो गई थी, एक घायल था। क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से मीटिंग में थे तो अभी अपडेट लेते हैं इसके बाद में कि क्या कार्रवाई हुई है। उसमें कुछ गांव वालों का कहना था कि चोरी करने के लिए घुसे थे। मृतक के जो परिजन हैं उनका कहना था कि वहाँ किसी महिला से संबंध था, इस कारण से गए थे। उसमें जल्दी हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे और डिटेल जानकारी लेकर। नीतीश कुमार, पिता का नाम मदन कस्मा, घर कहाँ है? गुरगामा। थाना? अमरपुर। जिला? बांका। तो जो है महिला से पहले बातचीत करता था ये? नहीं, तो महिला से बात नहीं करते थे। तो महिला से बात नहीं करते थे। तो तुम लोग के साथ में क्या बजे घटना घटा है रात में? 2 बजे। तो तुम लोग कौन सी से आया था यहाँ से लेकर? भागलपुर से।